महाकाय चूलकोटि सह प्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु चैतन्य। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है। रात के अंधेरे में हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। वेलकम उन सभी दोस्तों का जो हेडफोन से आकर यूट्यूब पे जुड़ रहे हैं, और अगर नहीं जुड़े हैं तो आपके जान पहचान में अगर कोई है तो उन्हें बता दीजिएगा कि अब हेडफोन पे जो है स्टोरीज ऑडियो अपलोड नहीं हो पा रही है, सिर्फ सॉन्ग्स वगैरह अपलोड हो रहा है, इसलिए वहां टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सीधा स्टोरीज यहीं डाल रहा हूं। दूसरी बात दोस्तों, फिर से भगवान से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द ये कोरोना की महामारी हमारे बीच से जाए और हम सभी अपनी अपनी जिंदगी में फिर से लौट पाए। मगर जब तक ये नहीं होता है तब तक सुनने वाले सभी दोस्तों को दिल से दुआ है, आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहिएगा, इस महामारी की चपेट से बचकर रहिएगा और अपने आसपास के लोगों के लिए भी दुआ करिएगा और जितना हो सके उनकी मदद करिएगा। देश में बहुत बड़ी आपदा का समय है दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके इसका दूर होना चाहिए, और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन्स नहीं लगवाई हैं वो लोग याद से लगवाइएगा। वैसे अब हम लोग की एज वालों को भी लगनी शुरू हो जाएगी 1 मई से, तो टाइम तो थोड़ा लगेगा मगर वैक्सीन लगाना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों ये बात भी सुनने में आ रही है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी कोरोना हो जाता है तो क्यों वैक्सीन लगाना, ऐसा वैसा। मगर बात यह है कि वैक्सीन लगाने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो तेज हो जाती है, इस वजह से जो आज की स्थिति है कि ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, बहुत ज्यादा सांस में इंफेक्शन हो जाना, इन सब से आप बच सकते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद। और जहां कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति महीने डेढ़ महीने में ठीक हो रहा है, वहीं आप 10 से 15 दिन में ठीक हो सकते हैं। ये अभी पिछले दिनों एक बड़े डॉक्टर साहब की मैंने ये रिपोर्ट न्यूज में देखी थी, फेसबुक में उन्होंने अपना वीडियो डाला था कि किस तरह से वैक्सीन लगवाने के बाद भी उनको कोरोना हुआ, मगर ओनली 10 डेज में वो बिना किसी तकलीफ के, सिम्टम्स तो सारे वो रहे, बदन दर्द रहा, पेट खराब रहा, मगर सांस की तकलीफ होना, ऑक्सीजन लेवल गिरना, ये सब कुछ नहीं हुआ और वो ठीक भी हो गए। तो इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर कोई कहता है कि वैक्सीन नहीं लगवाई है ये वो, तो उसकी मत सुनिए, क्योंकि वैक्सीन ऐसे कुछ नहीं है। अभी तक बात ये आ रही थी कि वैक्सीन में कोरोना के वायरस डालकर आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन में खास तरह का आरएनए डाला गया है जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, और ये आपके शरीर में जाके उसको जगाता है। इसलिए वैक्सीन लगवाते फर्स्ट डोज लगवाने के बाद, सेकेंड डोज के बाद कुछ लोगों को हुआ है कुछ को नहीं हुआ है, मगर फर्स्ट डोज लगवाने के बाद 99% लोगों को फीवर, हेडेक, बदन में हल्का दर्द और हरारत सी रहना, ये हुई है, कुछ लोगों को नहीं भी हुई है। तो अब ये डर है कि भाई उनको सही वैक्सीन लगी है नहीं, मगर 99% लोगों को ये हुआ है, और ये होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपका शरीर जो है अंदर से तैयार हो गया है भविष्य के लिए अगर कोरोना आपके पास आता है तो। साथ ही दोस्तों मास्क को तो आप बिल्कुल अपने चेहरे से हमेशा चिपकाए रखिए। अब कुछ लोगों को तकलीफ है, गर्मी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होती, मगर आदत करिए भाई, जिस तरह से घर से बाहर निकलने से पहले आपको ड्रेसअप होना है, लड़कों को शर्ट पैंट पहनना है, बाल कोरने हैं, लड़कियों को अच्छी तरह से उनके ड्रेस कोड्स पहनने हैं, बाल कोरने हैं, लिपस्टिक लगाने हैं, वैसे ही मास्क भी आपके शरीर में होना चाहिए। जिस तरह से आप बेल्ट लगाना, घड़ी पहनना, गॉगल्स लगाना नहीं बोलते, वैसे मास्क लगाना भी मत भूलिए। वो वक्त आएगा, जैसे उस दिन मैं देख रहा था कि भाई इसराइल ने अपने आप को पूरी तरह से कोरोना मुक्त घोषित कर दिया, वहां मास्क लगाने की जरूरत नहीं, तो भगवान के कर्म से और अल्लाह की दुआ से और गॉड की कृपा से बहुत जल्दी वो दिन भी आएगा जब मास्क लगाने की जरूरत नहीं। तब तक याद से मास्क लगाइएगा। चलिए बहुत बड़बड़ हो गई, आज की स्टोरी शुरू करते हैं। और क्या हुआ,
अरे मत पूछ यार, तू तो जानता ही है। अबे इंटरव्यू पे तू कभी तो अच्छी खबर सुनाया कर। मैं क्या करूं, मैं तो हर इंटरव्यू अच्छे से ही फेस करता हूं। सुधीर अपने दोस्त हेमेंद्र से पूछ रहा था। हेमेंद्र एक कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया था, मगर हर बार की तरह इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी। हेमेंद्र की रुचि वैसे भी इन नौकरियों वगैरह में नहीं थी, उसकी रुचि थी पेंटिंग में। इसके लिए उसने बकायदा फाइन आर्ट की ट्रेनिंग भी ली थी, उसके साथ साथ अकाउंट्स की भी पढ़ाई की थी। मगर दुख की बात यह थी कि फाइन आर्ट के जरिए उसका जीवन संचालन नहीं हो पा रहा था। कुछ क्लासेस वो लेता था, मगर उससे मुश्किल से 2-3 हजार रुपए की महीने की ही कमाई हो पाती थी। ऐसे में जीवन निर्वाह कर पाना तो संभव ही नहीं था। बहुत सी स्कूलों में भी उसने अप्लाई किया फाइन आर्ट टीचर के लिए, मगर इस वक्त कहीं भी कुछ खाली नहीं था। अकाउंट्स में उनका मन कभी भी नहीं लगा, बस माता पिता के जोर देने की वजह से उसने अकाउंट्स पढ़ लिया था। तो जहां भी अकाउंटेंट की नौकरी देने जाता, प्रश्नों का जवाब सही न दे पाने के कारण असफल हो जाता। जीवन एक तरह से निराशा भरा ही चल रहा था। अब 2-3 हजार की नौकरी में कोई क्या शादी करेगा और परिवार बसाएगा। इसके विपरीत सुधीर एक बहुत ही चालाक चतुर लड़का था, जिसने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाते हुए अब पूरी तरह से उसे अपने हाथों में ले लिया था। तरक्की भी काफी अच्छी की थी, माता पिता भी उससे बेहद खुश थे। शादी विवाह करके पत्नी बच्चों के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहा था। मगर सुधीर एक सच्चा दोस्त था, वो हमेशा से हेमेंद्र को जल्द से जल्द सेटल कर देने की कोशिश में लगा रहता था, मगर किया क्या जा सकता था। चित्रकार बाबू तो बस चित्रकारी में ही मस्त रहते थे। अचानक सुधीर बोल पड़ा, कल एक काम करना, तैयार रहना, एक जगह चलेंगे। मगर कहाँ? अरे देख, जब तक पूरा नहीं बताएगा मैं नहीं जाऊंगा। तो यार प्रश्न बड़े करता है। अच्छा सुन, मेरे पहचान के एक ज्योतिषी हैं, उनके पास चलेंगे, तेरे बारे में कुछ पूछ के आते हैं। अरे यार तू जानता है मैं इन ज्योतिषियों को नहीं मानता। अरे मान न मान कोई बात नहीं, एक बार दिखा लेने में फर्क क्या है। सुधीर के बहुत ज्यादा जोर देने पर हेमेंद्र मान गया। अगले दिन दोनों ज्योतिषी के घर की ओर निकल पड़े। मन ही मन हेमेंद्र सोच रहा था, पता नहीं कैसा व्यक्ति होगा, घर में अजीब अजीब तरह के चित्र लगाए, भगवा वस्त्र पहने, मालाधारी तिलकधारी कोई व्यक्ति उनके सामने आएगा। मगर ज्योतिषी के घर पहुंचकर वो चौंक पड़ा। एक मध्यम उम्र का ही युवक था, जो बिल्कुल सामान्य से कपड़े पहने हुआ था। घर की ड्राइंग रूम भी सामान्य सी थी, जिसमें एक दो भगवान के चित्र लगे हुए थे। वो बोल पड़ा, अब सुधीर दा हुआ क्या? अरे ये मेरा दोस्त है, देखना इतनी उम्र हो गई अभी तक सेटल नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, ना नौकरी है अच्छी, अब कुछ बताना इसके बारे में। अरे बिल्कुल। काफी देर तक वो हेमेंद्र के हाथ उलट पुलट कर देखता रहा, बीच बीच में आवाजें करता रहा। अंत में बोल पड़ा, आपकी जिंदगी तो सेटल होने वाली है, बहुत जल्दी ही ये हो जाएगा, विवाह भी होने का योग करीब आ रहा है। अब सेटल होंगे तो विवाह तो होना ही है, एक लड़की होने का भी योग है आपको, एक तरह से जिंदगी बहुत अच्छी ही है। मगर अच्छा मैं आपको एक अंगूठी देता हूं, उसे हमेशा अपने साथ पहने रखिएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आने वाली मुसीबत भी टल जाएगी। मगर मुसीबत क्या है? है कुछ, मैं अंगूठी तो दे रहा हूं आपको, चिंता क्यों? नहीं आप खुल के बताइए, वैसे मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, इसलिए जब तक आप खुल के नहीं बताएंगे मैं। अरे अरे विश्वास करना न करना आपकी बात है, मगर मैंने आज तक जिसको जो कहा है वो अवश्य सच हुआ है, इसलिए मेरी बात मानिए, अंगूठी पहने रहिए और जो भी है उसे ना ही सुने तो बेहतर है।
देखिए खुलकर नहीं बताएंगे तो मैं ये सब नहीं मानने वाला। अरे तू बता ना, ये बड़ा अड़ियल किस्म का है, मानेगा नहीं। देखिए सब कुछ अच्छा है, मगर आपके जीवन में एक बड़ी आपदा आने वाली है। आपदा? कैसी आपदा? एक बहुत ही भयानक शक्ति से आपका सामना होने वाला है। भयानक शक्ति? कैसी भयानक शक्ति? काल मुड़ा नाम है उसका। संसार की शक्तियों में सबसे भयानक शक्ति है। शरीर उसका इंसान का है, मगर चेहरा दानों का और पैर जानवर के। वो पुराणों में उसके बारे में वर्णन मिलता है। वो कुछ कुछ सालों में धरती पर लौट कर आता है। वो जमीन आसमान आकाश पाताल कहीं भी भ्रमण कर सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है। और जिसके जीवन में आता है सर्वनाश अवश्य करता है। अब एक मिनट रुकेगा, कहकर ज्योतिषी अंदर चले गए। मैं और सुधीर वहीं बैठे हुए थे। मनी मन मैं सोचने लगा, अरे ऐसे ही जीवन में कम परेशानियां हैं क्या जो इस शैतान से सामना होने का योग दिख रहा है? पता नहीं क्या होगा, ये ज्योतिषी भी सही है कि नहीं क्या पता, सारे एक जैसे हैं। दिखने में अलग है तो क्या हुआ, पहले इंसान को अच्छी तरह से डराओ, उसके बाद उपाय करूंगा कह के ज्यादा पैसा लूटो, कहीं इसका भी वही धंधा तो नहीं है। थोड़ी देर में वो लौटे एक अंगूठी लेकर। ये तंत्रों चक्र बनी हुई अंगूठी है, इसे कल सुबह स्नान करने के बाद धारण कीजिएगा और कभी भी अपने शरीर से अलग मत कीजिएगा। और इस चित्र को देखिए। चित्र को देखते ही दोनों जैसे चौंक से गए। ऐसी भयानक आकृति उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। ज्योतिषु बोले, क्या हुआ, डर गए? यही है काल मुड़ा की आकृति। ये आपके जीवन से होकर गुजरने वाली है। संभल कर रहिएगा। आश्चर्य से भर गए थे दोनों। अगली सुबह हेमेंद्र ने नहा धोकर अंगूठी पहन ली। मन तो नहीं था, मगर न जाने कौन सी अनजान शक्ति थी जो उसे अंगूठी पहनने के लिए बाध्य कर रही थी। इसके बाद अंगूठी का असर कहें, उसकी किस्मत का खेल कहें, परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। छात्रों की संख्या में वृद्धि हो गई। महीने की कमाई 6-7 हजार रुपए तक पहुंच गई। प्रसन्न हुआ था हेमेंद्र। एक दिन अचानक सुधीर आया। ओ भाई, खुशखबरी लेके आया हूं, मुंह मीठा करा। कैसी खुशखबरी, क्या किसी स्कूल में नौकरी लेके आया है? अरे तू ना बहुत कंजूस है। अच्छा सुन, एक जगह पेंटिंग सिखाने जाना है एक बच्चे को। हफ्ते में 2 दिन जाना है, महीने के 2000 मिलेंगे, क्या बोलता है? सुनकर खुश हो गया था हेमेंद्र। इससे अच्छा और क्या है, महीने में 2000 रुपए की एक्स्ट्रा कमाई, वो भी हफ्ते में सिर्फ 2 दिन। वाह, अब कल से ही जाना है, कल शाम को तैयार रहना, ठीक है? अगले दिन दोनों सुधीर के बताए जगह पर पहुंच गए थे। दरवाजे की डोरबेल बजाने पर एक 29-30 साल की महिला ने द्वार खोला। ये थी मिसेस सेन, शहर के एक बड़े कॉलेज में आर्कियोलॉजी की प्रोफेसर। मिसेस सेन के पति मिस्टर सेन इसी कॉलेज में इतिहास के प्रोफेसर थे। उनके देहांत के बाद नौकरी इन्हें मिली थी। उनका एकमात्र बेटा रजेश्वर उर्फ रिजू, उसे ही पेंटिंग सिखानी थी। उनको बैठाकर मिसेस सेन बोली, अब
ये ही है मेरा बेटा, इसे ही पेंटिंग सिखानी थी। हाँ हाँ, मेरा दोस्त बहुत अच्छी पेंटिंग जानता है, आपके बेटे को आराम से सिखा लेगा, सुधीर बोल पड़ा। असली में मेरे मायके में और ससुराल में सबकी पेंटिंग के हाथ बहुत अच्छे हैं। मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, मगर इतनी बिजी हूँ कि इसे समय ही नहीं दे पाती, इसलिए मैं चाह रही थी कि कोई अच्छे से इसे थोड़ा तैयार कर दे। वैसे इसकी पेंटिंग की हाथ अच्छी है, कुछ कुछ बना लेता है, मगर एक ट्रेंड पेंटर अलग ही होता है, क्या बोलते हैं आप लोग? सुधीर तुरंत ही बोल पड़ा। हे, मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दिया। अरे आप चिंता मत करिए, ये बिल्कुल अच्छे से सिखाएगा और बहुत अच्छे से आपके बेटे को ट्रेंड कर देगा। क्यों? हेमेंद्र ने बस हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन से ही उसे पेंटिंग सिखाना शुरू करना था। अगले दिन मंगलवार को हेमेंद्र मिसेस सेन के घर पहुंच गया। रिजू को उसने एक चिड़िया की आकृति बनाकर दी और कहा, इसमें जरा रंग भरो तो। हेमेंद्र के पेंटिंग सिखाने का तरीका यही था, वो पहले चित्र बनाकर देता था और उसमें रंग भरवाता था। इससे विद्यार्थी की सोच के बारे में उसे पता चलता था। कुछ ही देर में बड़े ध्यान से काम करने के बाद रिजू ने पेंटिंग उसके सामने रखा। पेंटिंग देखकर एक पल को हेमेंद्र जैसे चौंक सा गया। रिजू ने पक्षी को काला रंग भरा था और उसकी आंखें लाल। आश्चर्य, इस उम्र के बच्चे जहां रंग बोलने पर लाल, नीला, हरा, पीला, हर तरह का रंग पक्षियों में भर देते हैं, वहां पर यह बच्चा सिर्फ काला और लाल रंग लेकर इस तरह की आकृति कैसे बना सकता है? आखिर बच्चे की सोच इतनी गहरी कैसे हो सकती है? बातों ही बातों में हेमेंद्र पूछ बैठा, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? काला, रिजू बोल पड़ा। काला? काला रंग किसी बच्चे का फेवरेट कैसे हो सकता है? इस उम्र के बच्चे तो सात रंगों से खेलना पसंद करते हैं। और ये? तभी मिसेस सेन कमरे में आई। हेमेंद्र ने उन्हें पेंटिंग दिखाई, वो देखकर खुश हो गई। ओ माँ, कितनी सुंदर ड्राइंग किया इसने, हेमेंद्र मुस्कुरा दिया। अगले शनिवार को जब क्लास हुई, तब हेमेंद्र ने रिजू से कहा, तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। अच्छा, एक सुंदर सा मैंगो बनाओ। तो एक काम करो, कलर वगैरह मत डालना, सिर्फ स्केचिंग करना, ठीक है? हाँ, कहकर रिजू बड़े ध्यान से चित्र बनाने में लग गया। इस उम्र के बच्चे जहां इधर उधर मन भटकाते हैं, थोड़ा देर बनाकर उठना चाहते हैं, रिजू बड़े ध्यान से काम किए चला जा रहा था। हेमेंद्र आश्चर्यचकित था। तभी मिसेस सेन चाय और नाश्ता लेकर आ गई। टेबल पर रखकर रिजू को काम करते देखकर मुस्कुराकर वहां से चली गई। कुछ ही देर बाद रिजू की बनाई पेंटिंग हेमेंद्र के हाथों में थी। देखकर एक बार फिर से वो आश्चर्यचकित था। एक हरे रंग का आम जो एक तरफ से आधा खाया हुआ था और उसके अंदर के उस हिस्से में भरा था लाल रंग। ऐसा लग रहा था जैसे खून उबल कर उस आम से बाहर आना चाहता है। एक पल को हेमेंद्र थोड़ा सा परेशान हो गया। इस बच्चे की सोच वास्तव में ऐसी है या उसे तंग करने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है? कोई बच्चा ऐसा भयानक शक्ल का आम कैसे बना सकता है? बातों ही बातों में एक बार फिर उसने पूछा, ऐसा आम देखा है तुमने कभी? हाँ। कौन लाता है ऐसा आम? माँ। मिसेस सेन जैसे ही आई, उन्होंने आम उसे दिखाया। ये बड़ी अजीब अजीब तरह की पेंटिंग करता है। हाँ देखिए ना, मैं भी बहुत परेशान हूं, क्या सोच है इस बच्चे की, इसीलिए तो चाहती थी कि आप इसे अच्छे से कुछ सिखाएं। जब भी ड्राइंग करने दो, ऐसी अजीब अजीब आकृति बनाता है। हेमेंद्र घर वापस आ गया।
मगर दिमाग में रिजु की बातें ही चलती रही। बच्चा दूसरों से अलग है। दूसरे बच्चे कुछ कहने पर कल्पनाशील होकर कोई चीज बनाते हैं, मगर इस बच्चे की बात ही अलग है। इसे थोड़ा अलग तरह से ही हैंडल करना होगा, सिखाने का तरीका बदलना होगा, रंगों के प्रति उसका आकर्षण बढ़ाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। हेमेंद्र मंगलवार का इंतजार करने लगा, मगर उस दिन सवेरे से ही आसमान भारी था। रह रहकर बारिश हो रही थी, कड़कदार बिजलियां चमक रही। दोपहर के समय एक छाता लेकर हेमेंद्र निकल पड़ा रिजु के घर की तरफ। घर की डोरबेल बजाए तो मिसेस सेन ने ही दरवाजा खोला। आज वो कॉलेज नहीं गई थी। रिजु के आते ही हेमेंद्र ने उससे कहा, आज एक कुत्ते का चित्र बनाओ, ठीक है? आज भी कलर नहीं डालोगे, सिर्फ स्केचिंग करना है। रिजु बड़े ध्यान और शांति के साथ चित्र बनाने में भिड़ गया। हेमेंद्र को ये बात बहुत पसंद आती थी कि दूसरे बच्चों की अपेक्षा रिजु बहुत ही शांत और लगनशील होकर काम करता था। कुछ ही पलों में उसने चित्र तैयार कर लिया और हेमेंद्र को दिखा दिया। मगर चित्र की ओर देखकर हेमेंद्र आश्चर्यचकित थे। चित्र में एक कुत्ता बना था, भयानक और खूंखार सा, जो अपने शिकार पर जैसे आक्रमण कर रहा हो। हेमेंद्र आश्चर्यचकित हो गया, मगर रिजु उसे निष्पलक आंखों से ताक रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आखिर इसके दिमाग में इतनी खतरनाक बातें आती कहां से है? क्या वो जानबूझकर बदमाशी करकर ऐसी चित्र बनाता है ताकि उसे चित्र ना बनानी पड़े, या फिर हर समय उसके दिमाग में यही बातें घूमते रहती हैं? नहीं, मिसेस सेन से बात करनी ही पड़ेगी। मिसेस सेन के आते ही उन्होंने चित्र दिखाया और अपनी मन की सारी बातें उनके सामने रख दी। मिसेस सेन बहुत ही साधारण भाव से बोली, यही तो समस्या है, इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कोई उस पर अच्छे से काम करे। आज तक जितने भी टीचर आए, इस समस्या का निदान नहीं कर सके। एक मिनट आप रुकिएगा, कहकर मिसेस सेन अंदर चली गई। वापस लौटी एक कागज लेकर। पिछले दिनों इसके पिताजी की पेंटिंग बना रहा था, देखिए तो क्या बनाया है इसने। फोल्डेज कागज को हाथ में लेकर जैसे ही हेमेंद्र ने खोला, एक पल को वो जैसे चौंक गया। कागज उसके हाथों से कांप कर नीचे गिरने ही वाला था, उसने संभाल लिया, क्योंकि कागज के स्केच में बना हुआ था काल मूड़ा की आकृति, ठीक वैसी ही जैसे ज्योतिषी ने उन्हें दिखाई थी। देखकर भयानक तरह से चौंक गया था हेमेंद्र। एक बच्चा इस आकृति को कहां से देखा, और अपने पिता की याद को समेटे हुए उसके दिमाग में कालमुड़ा की आकृति क्यों है? हेमेंद्र पूछ बैठा, आपके पति की मौत कैसे हुई थी? मगर मिसेस सेन जैसे उस बात को टाल गई। परिस्थिति को देखते हुए हेमेंद्र को भी लगा कि नहीं, ये उनसे पूछना नहीं चाहिए। अभी हम तीनों कमरे में बैठे ही हुए थे, अचानक तेज बिजली चमकी और लाइट गोल हो गई। रिजु अचानक ही चीख पड़ा और अगले ही पल बिजली की चमक में जो कुछ भी देखा उसे देखकर जैसे मेरे हाथ पांव कांप उठे। ये क्या? मेरे सामने इस वक्त एक इंसानी बच्चा नहीं बैठा था, उसकी आंखें अजीबोगरीब लाल हो गई थी और अंदर की तरफ घुस गई थी। दांत बहुत ही भयानक और धारदार हो गए थे। शरीर अजीब तरह से खुल गया था और वो अजीब तरह की आवाजें कर रहा था।
मैं वहां रुक नहीं सका। मैं तुरंत वहां से भाग लेने में ही अपनी भलाई सब। एक भी मिनट मेरे लिए वहां रुक पाना संभव था, जबकि पीछे से मिसेस सेन की आवाज आ रही थी। सुनिए सुनिए, कुछ नहीं हुआ है। मगर मैं पागलों की तरह दौड़ता चला गया। रास्ता अंधेरा, कुछ भी मुझे पता नहीं था। किसी तरह से थोड़ी सी जान में जान आई तो सुजय के घर के दरवाजे के सामने था। बेतहाशा दरवाजा ठटकाया। दरवाजा खोलकर सुजय बोला, अरे ये तो पूरा भीग गया है, क्या हुआ? मैं पागल की तरह उसके घर के अंदर घुस गया और उसके फर्श पर बैठ गया। गटगटाकर आधा बोतल पानी पी गया। उसके बाद सुजय को सारी बातें बता दी। वो सुनकर मुझसे भी ज्यादा डर गया। क्या कह रहा है? उसके बाद हम दोनों तुरंत ही ज्योतिषी के घर गए। सारी बातें सुनकर वो भी चौंक उठा। कुछ तंत्रविद्या की किताबें और कुछ तांबे के छोटी छोटी रस्सियों में बंधे हुए ब्रेसलेट जैसी चीजें उठाकर वो हमारे साथ चल पड़े मिसेस सेन के घर की ओर। मिसेस सेन अभी भी घबराई हुई सी दरवाजे पर खड़ी थी। हम लोग को देखते ही बोली, वो किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता है, आप लोग उसे कुछ मत करिए। मेरा एक ही लड़का है, आप लोग उसे छोड़ दीजिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोग किसी को कुछ मत बताइएगा। मगर ज्योतिषी ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। अभी तो उन्हें ढकेल कर पास के कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद रिजु को मैं और सुजय मिलकर पकड़ने की कोशिश करने लगे। वो अजीबो गरीब चित्कार कर रहा था। उसे पकड़ने की कोशिश में उसने सुजय के हाथों में काट लिया। आ, आ! इसी तरह से सुजय ने उससे अपना हाथ छुड़ाया। हित्ते में ज्योतिष ने उसे मोटी रस्सी से बांध दिया था। वो अब भी गुर्रा रहा था, पुकार रहा था। वो एक सामान्य बालक नहीं था, एक अजीबो गरीब जंतु में परिवर्तित हो चुका था। सुजय ने अपने हाथों से बहते हुए खून को कपड़े के एक टुकड़े से बांध दिया। ज्योतिषी ने अपने साथ लाए हुए उन छोटे छोटे तांबे के पत्तों को रिजु के सिर पर, हाथ की दोनों बाहों पर, कमर पर और दोनों पैर पर बांध दिया और इसके बाद वो मंत्र पढ़ने लगे। तंत्र की उन किताबों से अजीब अजीब मंत्र पढ़ते जा रहे थे। रिजु चिल्ला रहा था। उसके हाथ पैरों में बंधे हुए तांबे के वो सुनहरे पत्ते अब लाल रंग में परिवर्तित हो चुके थे। दूसरी तरफ कमरे में मिसेस सेन की भी चीखने की आवाज आ रही थी, मगर किसी की भी न सुनकर ज्योतिषी अपना काम करते चले जा रहे थे। हम लोग एक शैतान का नाश करने के लिए उतरे थे। ऐसे में मिसेस सेन की चिल्लाहट सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं था। ज्योतिषी अजीबो गरीब मंत्रों का पाठ करते जा रहे थे। रिजु चिल्लाता जा रहा था। हालांकि उसके लिए मुझे कुछ खराब भी लग रहा था, मगर अब वो बालक नहीं था, एक शैतान में परिवर्तित हो चुका था जिसका नाश होना आवश्यक था। मंत्र पढ़ते पढ़ते अचानक ही पूरा कमरा अजीबो गरीब धुएं से भर गया। रिजु अब पूरी तरह से निस्तेज हो चुका था। उसकी वो भयानक चित्कार आवाजें आनी बंद हो गई थी। कमरे से वो धुआं अचानक ही ऐसा लगा जैसे किसी ने खींच कर बाहर भेज दिया हो। हम थोड़े से सामान्य हुए ही थे कि अचानक पूरा कमरा भयानक धुएं से भर गया। ऐसा लगा जैसे बाहर से किसी ने बहुत भयानक फूंक मारी हो। इस फूंक के चलते मोमबत्ती भी बुझ गई थी। मोमबत्ती जब दोबारा जलाया, कमरे की परिस्थिति देखकर हम चौंक उठे थे। रिजु नहीं था। जमीन पर पड़े हुए थे तांबे के वो पत्र और सामने ज्योतिषी बेहोश हालत में पड़ा हुआ था। बहुत देर तक पानी छींटने के बाद बड़ी मुश्किल से ज्योतिषी को होश आया। सुजय मिसेस सेन को पास के कमरे से ले आया था। वो रो भी नहीं रही थी, बात भी नहीं कर रही थी, सिर्फ जमीन पर बैठ गई। ज्योतिषी थोड़ा सा सामान्य होने के बाद बोल पड़े, घबराइए नहीं, आपका वो बच्चा कालमुंडी के अभिशाप से जन्मा था। फिर उन्होंने कालमुंडी के बारे में सारी बातें मिसेस सेन को समझाई। वो समझी कि नहीं पता नहीं, मगर ज्योतिषी बोल पड़े, अब आप सभी विपत्ति से मुक्त हैं। उस रात न चाहते हुए भी मिसेस सेन को छोड़कर हम सबको अपने अपने घर वापस आ जाना पड़ा। अगले दिन एक मानवता की दृष्टि से मैं मिसेस सेन के यहां गया। वो सोफे पर बैठी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे
रात भर वो सोए नहीं है। मुझे पास में पाते ही वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, देखिए जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है, मगर आपको थोड़ा धीरज धरना होगा। वो रोते रोते बोली, उसने पहले मेरे पति को छीन लिया, अब मेरे बेटे को, अब मैं जीकर क्या करूंगी। नहीं ऐसा मत बोलिए, देखिए जो होना था वो हो गया, अब आपको अपने लिए जीना होगा। मैं आपके पास ही हूँ, जितनी मेरी सामर्थ होगी मैं कुछ करने की कोशिश करूंगा। उन्हें काफी समझा बुझा कर मैं वापस अपने घर आ गया। 2 साल बाद मिसेस सेन को एक और लड़की हुई। अरे नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। असली में उसके बाद कई बार मैं मिसेस सेन के घर आता जाता रहा। हम दोनों के बीच एक अजीब सी बाउंडिंग तैयार हो गई थी। हालांकि वो अपने पति से बेहद प्यार करती थी, मगर परिस्थितियों को देखकर अकेले तो नहीं जिया जा सकता था, इसलिए मैंने और नंदिनी ने शादी कर ली। जी वही मिसेस सेन, अब वो मेरी पत्नी नंदिनी है। सुजय भी इस बात पर बहुत खुश हुआ था। अरे वाह, चल अब तू लाइफ में सेटल हो जाएगा, अभी तक तो जो कमाता था अपने लिए, अब अपनी बीवी और फिर आगे चलकर बच्चों के लिए कमाएगा, अच्छे से लाइफ जिएगा। अब इसे ज्योतिषी की अंगूठी का कमाल कहूं या नंदिनी के भाग्य का जोर, मुझे एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। फिर हमारे घर ईशा आई, हमारी बेटी। नंदिनी ने नौकरी छोड़ देने की सोची थी, मगर घर की आर्थिक दशा को देखकर वो जॉब में लगी रही। ईशा धीरे धीरे कैसे बड़ी होती जा रही थी मुझे पता ही नहीं चला। पहले घुटनों के बल चलते चलते अचानक ही पैरों पर खड़ी हो गई। हर माँ बाप यही सोचते हैं, मगर वक्त तो अपने समय पर ही गुजरता है। धीरे धीरे अब वो बातें भी करने लगी। उसके साथ खेलना, नंदिनी के साथ रहना, अब सचमुच जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगी थी। काम भी अच्छा ही चलने लगा था। कुछ पेंटिंग आर्ट गैलरीज वगैरह में लगाने की वजह से मेरा नाम भी हो गया था। एक दिन नंदिनी बोली, क्यों अपनी बेटी को पेंटिंग नहीं सिखाओगे? देखो तुम्हारी बेटी है, तुमसे अच्छा पेंटर होना चाहिए। हालांकि मेरे विचार कुछ अलग थे। मैं पहले शब्द संख्या सीखने से पहले ही ईशा के हाथों में पेंट ब्रश नहीं पकड़ाना चाहता था। मैं चाहता था पहले वो स्कूल जाने लगे, थोड़ी बड़ी हो जाए, फिर आराम से उसे सिखाऊंगा। मगर नंदिनी के आर्ट के प्रति आकर्षण ने मुझे मजबूर कर दिया। अब ईशा प्राइमरी स्कूल में भी जाने लगी थी। देखते देखते क्लास 1 तक पहुंच गए। बहुत पटर पटर बातें करती है और पेंटिंग में तो उसका हाथ सच में बहुत गजब का है। एक दिन स्कूल से लौटकर मैं खाना खाकर रेस्ट कर रहा था। नंदिनी कॉलेज गई थी। अचानक ईशा अपने नन्हे नन्हे पांव से चलती हुई मेरे पास आई और मेरी छाती के ऊपर चढ़कर बैठ गई। मेरे गाल खींचती, कभी बाल खींचती, कभी कान खींचती। अरे ईशा थोड़ा देर सोने दो मुझे। मुझे अकेला अच्छा नहीं लग रहा, मुझे खेलना है, कहकर वो मुझे उसी तरह तंग करती रही और अचानक ही बोल पड़ी, पापा आप सपन अंकल, रंजीत अंकल, अजीत अंकल, टॉली दीदी को पहचानते हो? मैंने कहा, नहीं मैं इन सबको नहीं जानता। कौन है ये, तुम्हारे स्कूल के फ्रेंड? नहीं पापा, जानते हो ये सब ना मर चुके हैं। सुनकर एक पल को मैं चौंक उठा था। तो क्या होगा,
मेरे इतना कहते ही अचानक वो मेरे ऊपर झुक गई और गली के पास धीरे से चाप कर भाग गई। अरे ईशा, ये सब बदमाशी मुझे अच्छी नहीं लगती है, गला सहलाते हुए मैंने कहा। अचानक ही नामों की तरफ मेरा ध्यान गया। इनमें से एक ही नाम मैं पहचानता हूं, रंजीत, मिस्टर सेन। मगर मुझे अजीब लगा, ईशा इसके बारे में कैसे जानती है? उस दिन मैं मार्केट गया था घर का राशन लाने, वापस लौटकर देखा माँ बेटी कमरे में मोमबत्ती जलाकर बैठे हैं। मुझे लगा करंट नहीं है का, फिर देखा नहीं, सब जगह करंट है। मैंने उनसे पूछा क्या हो रहा है। ईशा बोली, माँ मुझे भूत की कहानी सुना रही है। मैंने कहा अरे वाह, तो फिर मैं भी सुनूंगा। नंदिनी ने उठकर कमरे की लाइट जला दी और बोली, तुम क्या बच्चे हो जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं? उस दिन दोपहर को नंदिनी कॉलेज गई हुई थी। मैंने एक चिड़िया बनाकर ईशा को दिया रंग भरने के लिए। कुछ देर तक रंग भरने में खोई रहने के बाद ईशा उसे मेरे पास लेकर आई। फोटो देखकर जैसे मेरे हाथ पांव कांप उठे। वही काले रंग का पक्षी और वैसे ही लाल आंखें। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ईशा को दूसरा काम देकर मैं हाथों में एक हथौड़ी लेकर छत की ओर चल पड़ा। छत पर बने स्टोर रूम में नंदिनी के पुराने सामान थे। मैंने कभी उसके बारे में पूछा नहीं। मैंने प्रण कर लिया था कि नंदिनी की पास्ट लाइफ के बारे में हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। मगर आज पता नहीं क्यों मेरा मन बार बार उस ट्रंक को खोलकर देखने के लिए कर रहा था। मन ग्लानी से भी भरा था कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, मगर परिस्थितियां मुझे उस ओर मोड़ रही थी। स्टोर रूम खोलकर मैं पुराने से उस ताले पर दो तीन हथौड़ी की चोट मारा, वो ताला टूट गया। अंदर नंदिनी की कुछ पुरानी किताबें और एक पुरानी सी एल्बम रखी थी। एल्बम उठाते ही साथ कुछ छोटे छोटे कागज के टुकड़े जमीन पर बिखर गए, जिनमें लिखा हुआ था कालजयिता, हिंसा, होज, निपुणता, चित्रकार, मतभेद, हत्या। ये सब क्या है? इनका तो कुछ भी अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। एल्बम में एक फोटो थी, रंजीत, नंदिनी और रिजू की। रंजीत के सिर के ऊपर काली स्याही से लिखा था खत्म। एक और फोटो दिखी, नंदिनी, एक छोटा लड़का, एक छोटी लड़की, एक और आदमी। आदमी के भी ठीक सिर के ऊपर लिखा था खत्म। पहली तस्वीर तो समझ में आ रही थी, मगर दूसरी तस्वीर में ये लोग कौन थे? तभी जैसे मेरे दिमाग में बिजली सी कौन गई। अजीत, सपन और डॉली, क्या ये ही लोग हैं? इसका मतलब नंदिनी मुझसे पहले भी दो बार, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर जो कुछ भी सामने में देख रहा था उसके बारे में क्या कहूं? मेरा हाथ पांव कांपने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी एल्बम के आखिरी पृष्ठ पर रखा हुआ था एक कागज, जिसे
बोलते ही साथ मैं जैसे चक्कर खाकर गिरते गिरते बचा। ये वही ड्राइंग थी जिसे रिजू ने बनाया था, काल मुंडी की वही ड्राइंग। ड्राइंग के पिछले हिस्से में कुछ लिखा था जो मैंने उस समय नहीं देखा था। उसे पलट कर पढ़ते ही साथ मैं चक्कर खाकर जमीन पर गिरने वाला था। इसी तरह से मैंने अपने आप को रोका। कागज में लिखा हुआ था, मेरी माँ, मेरी माँ।